संस्कृत की इस कक्षा में आप सभी का स्वागत है, सभी सब्सक्राइबर का स्वागत है। और अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज कर दीजिए। हेलो स्टूडेंट, मेरा नाम वंदना ग्रोवर है और आज मैं आपको संस्कृत में कुछ वस्त्रों के नाम बताऊंगी। पांच वस्त्रों के नाम मैं आपको बताऊंगी जो आपके परीक्षा में, एग्जाम में बहुत काम आएंगे। आइए देखें कि किस कौन कौन से वो वस्त्र हैं और किस तरह से हमने उन्हें याद करना है। देखिए, पहला है उत्तरीयम। ये म पर हलंत भी है। यहाँ पर उत्तरीयम, उत्तरीयम मीन्स दुपट्टा, इसका हिंदी अर्थ हुआ दुपट्टा। पादयामह, पादयामह मीन्स पाजामा। अब देखिए, जब पादयामह याद करें तो ये ध्यान रखिए, पहले हिंदी वर्ड कर लीजिए। हिंदी का शब्द पाजामा, पाजामे की संस्कृत क्या हुई, प से पाजामा और प से ही संस्कृत वर्ड आएगा हमारा पादयामह। तीसरा आ रहा है हमारा कर वस्त्रम। कर मीन्स होता है हाथ, तो हाथ का वस्त्र, हाथ का कपड़ा। हाथ में क्या रहता है हमारे, रुमाल, तो ये हुआ हमारा रुमाल। चौथा आ रहा है हमारा शाटिका। शाटिका आपका आया है साड़ी के लिए। पांचवा और अंतिम है कंचुकम। देखिए, क से कंचुकम और क से कमीज। ये है हमारे पांच वस्त्रों के नाम जो परीक्षा के लिए बहुत उपयोगी है। एक बार हम फिर देखते हैं इनको। पहला है उत्तरीयम। उत्तरीयम मीन्स दुपट्टा, हलंत भी है, यहाँ ध्यान रखिएगा। दूसरा आ रहा है पादयाम। पादयाम मीन्स पाजामा। प से है पादयाम और प से पाजामा। देखो, पाद बोलते हैं पैर, तो जो पैरों में डाला जाए वो क्या है, पाजामा। तीसरा आ रहा है कर वस्त्रम। कर मीन्स हाथ, हाथ का कपड़ा, क्या, रुमाल। चौथा है शाटिका। शाटिका का अर्थ है यहाँ पर साड़ी। और पांचवा है कंचुकम। कंचुकम का मतलब है कमीज। क से कंचुकम, क से कमीज। फिर एक हमारा आया था प से पादयामा और प से पाजामा। दो वस्त्र तो आप ऐसे ही याद कर सकते हैं। तीसरा हमारा था कर वस्त्रम। कर मीन्स हाथ, हाथ का कपड़ा रुमाल। चौथा हमारा आया शाटिका साड़ी। और पांचवा और अंतिम जो मैंने पहले लिखा हुआ है लेकिन जब मैंने बोला नहीं इस बार, वो क्या था, उत्तरीयम। उत्तरीयम मीन्स दुपट्टा। तो आज के लिए बस इतना ही। आज हमने सीखे पांच वस्त्रों के नाम। और हमेशा ये कोशिश कीजिए, जब आप वस्त्रों के नाम या कुछ भी और संस्कृत में आते हैं तो अपने दिमाग में अपने पास से कोई ट्रिक लेके उसकी पहचान बना लीजिए कि हाँ, ये हिंदी तो इसकी संस्कृत क्या हो गई। ऐसे जैसे हमने क्या करा, पादयाम, प से पादामा, पादयाम और प से पजामा। ऐसे याद करना आपको आसान हो जाएगा और साथ साथ कभी भूलेंगे। आज के लिए बस इतना ही। अपनी नई वीडियो में कुछ नया लेकर मैं फिर आऊंगी। तब तक आप मुझे सब्सक्राइब कीजिए। अगर सब्सक्राइब ऑलरेडी किया हुआ है तो प्लीज इसको लाइक कीजिएगा और शेयर भी कीजिएगा। आज के लिए बाय। फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में।